जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनता है स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा जीवन मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम जो आपको उपाय बताते हैं वो आयुर्वेद आचार्यों के मुताबिक होते हैं। आज हम आपको अजवाइन के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको सुबह सुबह खाली पेट अजवाइन के पानी पीने के क्या फायदे होते हैं, उन फायदों के बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अजवाइन की तरह ही अगर इसका पानी रोज सुबह खाली पेट पिया जाए तो यह पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अजवाइन औषधीय गुणों का भंडार है, तभी तो रसोई घर के साथ ही आयुर्वेद में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह आपको पेट से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है। तो ये क्या क्या फायदे हैं इसके, ये जान लेते हैं जरा। नंबर एक, इसे रोजाना पीने से डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर दो, दिल की बीमारियों से बचने के लिए ये कारगर औषधि है। नंबर तीन, मुंह से जुड़ी बीमारियों में भी यह काफी लाभदायक है। अगर आप रोजाना सुबह इसका पानी पीते हैं तो दांतों का दर्द और मुंह की बदबू की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नंबर चार, यह पेट की बीमारियों को दूर करता है और कब्ज से भी राहत देता है। यह खाना जल्दी पचाने में भी मदद करता है। नंबर पाँच, इसे रोजाना पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे दिन में दो बार पीने से डायरिया जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। नंबर छह, यह सर्दी और कफ की प्रॉब्लम को दूर करता है और इसे पीने से अस्थमा का खतरा भी टल जाता है। नंबर सात, अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो अजवाइन के पानी में एक चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से खांसी दूर हो जाएगी। नंबर आठ, सिरदर्द एक आम समस्या है लेकिन आप हमेशा ही इससे दो चार होते हैं तो एक कप अजवाइन का पानी पीने से सिर के दर्द को राहत मिलेगी, तो इसको आजमाने में क्या नुकसान है। नंबर नौ, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो इसमें एक चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। और नंबर 10, आजकल की लाइफस्टाइल में नींद ना आना एक आम समस्या बनती जा रही है। अगर आप भी नींद ना आने से परेशान हैं तो रोजाना सोने से पहले एक कप अजवाइन का पानी पिएं, आपको अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, आज जीवन मंत्रा में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।